याद है आपको हमारे बारे में क्या क्या कहा था भाजपाइयों ने जब वैक्सीन वाली बात आई थी? अब सुना है जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सूची में चीजें आ रही हैं, वैक्सीन कंपनी ने कोई वैक्सीन दी है उन्हें इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर, कितने करोड़ की है? 505 करोड़ चल रही है। सोचिए आप, वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिए, इसीलिए जबरदस्ती हमें और आपको वैक्सीन लगवाई जा रही है। हम तो बच गए, बाकी जनता सब मिलने लग गए। पाकिस्तान से भी अखिलेश जी, पाकिस्तान की कंपनी से भी जो है इन्होंने लिया है, क्योंकि जो बात सोशल मीडिया पे आ रही है, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे मीडिया के साथी हैं, इन पे भी बड़ा बड़ा पैकेज पहुंचा है, इसलिए बहुत सारी जानकारी मिल रही है और सोशल मीडिया पे चल रही है। मुझे उम्मीद है हमारे पत्रकार साथी भी जिस तरीके से और लोगों के पीछे पड़ जाते थे, इस बार इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के पीछे पड़ करके सच्चाई जनता तक पहुंचाएंगे। जो लोग दावा करते थे और जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करते थे, जो लोग जनता को धोखा देते थे, ये बड़ी बड़ी एजेंसियां दूसरे विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनको डराने के लिए भाई, पूरा तो और उनकी छवि जनता में खत्म हो जाए, खराब हो जाए, उन एजेंसियों का इस्तेमाल करते थे और वही एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से वसूलने के लिए। तो सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि आपकी एजेंसियां विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए और खुद के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा दुनिया के लोकतंत्र में नहीं होता होगा। ये लोकतंत्र को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान, उसको खत्म करने की साजिश चल रही है। चुनाव से पहले ये जो बातें आई हैं, ये जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। कल 2 रुपए कम हुआ है पेट्रोल डीजल में, फिर झुंझुना सरकार ने फिर झुंझुना दिया पेट्रोल को लेकर के और गैस को लेकर के। सर ईवीएम